नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी के साथ में प्लस टू की फिजिक्स को लेकर के जुड़ा हूँ। और अपने लास्ट क्लास के अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, और इसके अंदर अब तक जो अपने बात कर चुके हैं वो अपने बात कर चुके हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, और उसके बाद में अपने बात की थी सतत आवेश वितरण के बारे में, ठीक है। और अब अपने जो बात करने वाले हैं वो जो अपने चैप्टर का नाम है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो आज जो अपने बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गाउस के नियम के बारे में। तो अब अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है गाउस का नियम। देखो, आपका जो एग्ज़ाम में पेपर आता है उसके अंदर शुरुआत के 1 से लेकर 14 तक जो प्रश्न आते हैं वो एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। उन एक एक के नंबर के जो प्रश्न आते हैं यानी शुरुआत में जो आपके प्रश्न आते हैं 14 प्रश्न, उनके अंदर जो अंक रहता है वो 1 रहता है। और ये मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के 4 चैप्टर एक साथ कितने नंबर के हैं, 7 नंबर के। अगर एक भी चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो पीछे जो चैप्टर बचते हैं उनमें से एक एक अंक का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अंदर जो गाउस का नियम है इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गाउस का नियम क्या होता है, इसका कथन लिखिए, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, गाउस का नियम आपको पता होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अपने ये जो चैप्टर सेकंड बचा है, जितने टॉपिक बचे हैं सब के सब अनुप्रयोग है गाउस के नियम के। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं गाउस के नियम की कि गाउस का नियम अपने को क्या कहता है। गाउस का नियम देखो अपने को क्या बोलता है। गाउस का नियम अपने को बोलता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित। देखो, ये बात मैं लिखूँ या ना लिखूँ, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो शुरुआत के 4 चैप्टर है ये विद्युत क्षेत्र से जुड़े हुए। जब भी किसी के बल की या किसी पृष्ठ को रखने की बात की जाएगी, फ्लक्स की बात की जाएगी, तो सबको किसके अंदर रखना है, विद्युत क्षेत्र में जरूर रखना है। तो अपने गाउस के नियम की बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र में स्थित आप लोग ये भी बोलोगे निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, क्या बोलोगे, ये बोलना विद्युत क्षेत्र में निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स जरूर लिखना, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, 1/ε0 गुणा होता है। ये अपने गाउस का नियम है कि निर्वात या विद्युत क्षेत्र में निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का, इंपॉर्टेंट बात इतनी है, कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। किसका मान, विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। अगर बिल्कुल शॉर्ट में लिखने की बात करें या देखने की बात करें तो इतनी समझने की बात है कि विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आप इन्हें लिखो नहीं, सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ कि गाउस का नियम किसके बारे में बता रहा है। गाउस का नियम बता रहा है विद्युत फ्लक्स जो फाई ई से अपने लिखते हैं उसके मान के बारे में बता रहा है कि इसका मान कितना होता है उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश। कुल आवेश का मतलब हो गया समीशन क्यू, यानी जितने आवेश है उन सभी को जोड़ लेना। उन सभी को जोड़ने के बाद में 1/ε0 से क्या कर दो, अगर गुणा कर दो तो वो किसका मान बताता है, वो विद्युत फ्लक्स का मान बताता है। और इसे किसका नियम बोलते हैं, इसे गाउस का नियम बोलते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि फाई जो है किसके इक्वल होता है, समीशन क्यू अपॉन ε0 के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा, आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि गाउस का नियम, ये तो गाउस का नियम आ गया, ठीक है, जो अपने ऊपर लिखा है ये तो, पर आप लोगों को पता है कि अपने फाई का मान ये भी तो लिखा था समीशन क्यू अपॉन ε0, ये तो गाउस के नियम से लिखा था। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपने इसका मान क्या लिखा था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखा था, यहाँ पर कैपिटल ए भी लिख सकते हो,
तो आप लोगों ने क्या लिखा है, फाई इक्वल्स मिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो गॉस का नियम और फाई इक्वल्स माकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसी बंद पृष्ठ के लिए, ये आप लोगों ने लिखा था विद्युत फ्लक्स से और ये गॉस के नियम से। दूसरा आप लोग यहाँ देखो, ये जो टर्म लिखी गई है, अगर मैं इस टर्म को ऊपर और नीचे 4π से गुणा करूँ, 4π से ऊपर गुणा किया, 4π से नीचे गुणा किया, ठीक है, तो ये जो बनता है 1/4π ε0 किसका मान बनता है, k का बनता है, तो यहाँ से ये क्या आता है 4π k समीशन क्यू बनता है, यानी k इक्वल कितना बनता है, k इक्वल बनता है 1/4π ε0। ये किसका मान है, अभी ये आपके पास में k का मान है, यानी k इक्वल कितना है 1/4π ε0 है। ठीक है, तो k का मान 1/4π ε0 होता है, तो ये 1/4π ε0 क्या लिख दिया मैंने, k लिख दिया, तो ये क्या बन गया 4π k और समीशन q। इतनी बात अगर आप लोगों के समझ में आई हो तो अपने आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि एक तो ये गॉस का नियम आपको याद रखना है, और यहाँ से अगर आप लोग देखो तो ये जो समीकरण आपने लिखी है ना, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि इतना तो ये गॉस का नियम बनता है। और अगर इतने की बात करें तो ये आपके पास में विद्युत फ्लक्स का जो लिखा था, जो सूत्र लिखा था आपने, वहाँ से फाई का मान बनता है। ठीक है, तो ये जब आप लोग लाइन याद रखोगे तो बचे हुए चैप्टर के अंदर अपने हर एक जगह इसी लाइन को काम में लेंगे, समीशन क्यू का मान याद करेंगे, इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे, समाकलन करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कुछ एक यहाँ पर बातें हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। एक तो ये कि अगर किसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का मान जीरो हो, कुल आवेश कितना हो, जीरो हो, तो फ्लक्स का मान जब आप लोग लिखोगे ना, तो फ्लक्स भी क्या आएगी, शून्य आएगी। ये बात ज़रूरी याद रखना। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने आवेश जो है उन्हें बीजगणितीय संख्याओं की तरह जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आपने जोड़ घटाव किया, अगर शून्य आ गया तो फ्लक्स का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, यानी यदि कुल आवेश का मान जीरो है तो कुल फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। दूसरा, अगर कुल आवेश का मान धनात्मक प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है, तो फ्लक्स क्या होगी, निर्गत होगी। फ्लक्स क्या होगी, निर्गत होगी। और अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है, अगर मान जो है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है, तो फ्लक्स क्या होगी, प्रवेश करेगी, यानी प्रवेशित फ्लक्स होगी। तो इन तीनों बातों का जरूर ध्यान रखना कि अगर कुल आवेश शून्य हो तो फ्लक्स जो है उसका मान शून्य होगा, अगर कुल आवेश धनात्मक हो तो फ्लक्स निर्गत होगी, अगर ऋणात्मक हो तो फ्लक्स जो है वो क्या करेगी, पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेगी। यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, इनको हटा देता हूँ, महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बताता हूँ जिनके बारे में आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। देखो इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या आते हैं, एक तो गॉस का जो नियम है अपने शुरुआत में लिखा था, तो अपने बोला था निर्वात या अवामी स्थित, और अपने समीकरण क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुणा लिखा था, परंतु जरूरी नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर निर्वात और अवा हो, वहाँ पर क्या हो सकता है, माध्यम भी हो सकता है, यानी ये जो है निर्वात तथा माध्यम दोनों के लिए क्या होता है, समान रूप से लागू हो जाता है। जैसे आपने समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो लिखा है, वो तो किसके लिए लिख दिया आपने, निर्वात के लिए लिख दिया। अगर अपने माध्यम की बात करें तो माध्यम के लिए जब आप लोगों को लिखने की बात आएगी तो आप लोग माध्यम के समय वहाँ पर क्या कर दोगे, सिर्फ एप्सिलॉन लिख दोगे। ठीक है, जिसे अपने निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं माध्यम की, तो वहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, सिर्फ एप्सिलॉन लिख दोगे, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो वो किसके लिए आ जाएगा, माध्यम के लिए आ जाएगा। यानी गॉस का नियम जो है निर्वात के लिए, हवा के लिए और दूसरा माध्यम के लिए समान रूप से लागू हो जाता है। वही सूत्र जो है बस एप्सिलॉन जीरो की जगह आप क्या कर दोगे, एप्सिलॉन कर दोगे। दूसरा, ये जो गॉस का नियम है ये आकृति वगैरह पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आपके पास में अगर वर्त है और इसमें आवेश कितना है, क्यू है, तो जो फाई नेट होगा, फाई नेट परिणामी बोल सकते हो आप लोग, जो परिणामी होगा फाई का मान, वो कितना होगा, q अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा। ठीक है, कुल आवेश जोड़ो, समीकरण q करो, तो यहाँ पर आवेश कुल है कितना, q है, तो यहाँ पर क्या आएगा, q अपॉन एप्सिलॉन जीरो आएगा। अगर ये ऐसा होता, ये आकृति होती और यहाँ पर q आवेश रखा होता, तब भी फाई नेट कितना आता, q अपॉन
एप्सिलॉन जीरो आता। अगर ये इस प्रकार की आकृति होती और यहाँ पर क्यू आवेश रखा होता तब भी फाई नेट कितना आता, यही आता। अगर ये वर्ग आयत या इनमें से कोई होता और क्यू आवेश होता तब भी फाई नेट कितना आता, सेम यही आ जाता। यानी फ्लक्स का मान जो है वो आकृति के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। दूसरा, आवेश किस जगह वितरित है इस बात पर भी निर्भर नहीं करेगा। जैसे वृत्त की बात कर ले, ये एक वृत्त है, इसमें आवेश यहाँ रखा हुआ है क्यू, तो फाई कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आएगा। सब में क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो लिखा है, तो फाई कितना आएगा, फाई नेट क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आएगा। ठीक है, अगर आप लोग बात करोगे इस आकृति की कि ये यहाँ आ जाए तो कितना आएगा, तो भी ये q अपॉन एप्सिलॉन जीरो आएगा। अगर ये इस जगह होता और q आवेश होता तब भी कितना आता, तब भी सेम यही आता। और अगर ये यहाँ होता और q आवेश होता तब भी फाई नेट कितना आता, ये आता q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब तक आपने जो किया है उसका बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कुल आवेश देखना है और समीशन क्यों देखना है। चौथा जो पॉइंट है वो अपने को बता रहा है कि आवेश का वितरण किस प्रकार से है, इस बात पर भी ये निर्भर नहीं करेगा। जैसे अगर ये होता और यहाँ कितना है, क्यू है, तो फाई नेट कितना आता, कितनी बार तो लिख दिया, फाई नेट कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आएगा। अगर ये इस प्रकार से होता q अपॉन टू और ये आवेश कितना होता, q अपॉन टू, दोनों आवेशों को जोड़ा कितना आया q, तो फाई नेट कितना, फाई नेट आया q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, कितना आया q अपॉन एप्सिलॉन जीरो आया। अगर ये इस प्रकार से होता, ये होता q अपॉन फोर, ये होता q अपॉन फोर, ये फिर से होता q अपॉन फोर और ये फिर से होता q अपॉन फोर, और आपसे पूछा जाता कि फाई नेट कितना आएगा, तो फाई नेट के लिए आप लोग क्या करते, आप लोग लिखते फाई नेट इक्वल, इन सबको जोड़ दो, एक बटा चार, एक बटा चार, एक बटा दो होता है, फिर एक बटा चार जोड़ोगे, फिर एक बटा चार जोड़ोगे, फिर से एक बटा दो, और एक बटा दो, एक बटा दो को जोड़ोगे कितना आएगा, फिर से वही आएगा q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसके लिए ये मान है, इसके लिए ये मान है और इसके लिए ये मान है। ठीक है, तो अपने इतने सारे पॉइंट किए हैं, इन सब पॉइंट को बताने का आपको मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि गाउस का नियम यहाँ पर आप लोगों को लागू करना है, तो आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको इतना देखना है कि गाउस का नियम लिखने का सूत्र अपने क्या काम में लेना है, फाई इक्वल समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर यहाँ ई लिख दो तो पता लग जाएगा कि विद्युत क्षेत्र के लिए, अगर ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाई ए किसके इक्वल, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के इक्वल। ठीक है, पर ये जरूर ध्यान रखना कि कहीं पर अगर विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र हो तो उसमें ये लिखना जरूरी होता है कि कौन सा फाई ई है और कौन सा फाई बी है, और ऐसा आपकी बुक में है नहीं कहीं पर कि दोनों एक साथ में आए हों फलक के रूप में। तो समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो यानी आपको कुल आवेश जोड़ना है, जैसा भी वितरित हो, जहाँ भी वितरित हो, आपको मतलब नहीं है, पृष्ठ के अंदर देखना है और सारे आवेशों को जोड़ देने और एप्सिलॉन जीरो से भाग लगा देने हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा था तो आपने क्या किया, क्यू को देखा और एप्सिलॉन जीरो का भाग लगाया, आपने आवेशों को जोड़ा एप्सिलॉन जीरो का भाग लगाया, यहाँ पर फिर से आवेशों को जोड़ा एप्सिलॉन जीरो का आपने भाग लगा दिया। यहाँ पर देखो आकृति से कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे त्रिभुज हो या फिर कोई वर्ग आयत हो या फिर वो वृत्त हो, चाहे वो अनियमित प्रकार की कोई आकृति हो, आपको आवेश जोड़ना है एप्सिलॉन जीरो से भाग लगा देना है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, हर कंडीशन में एक समान रहेगा। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि अगर आवेश यहाँ पर एक क्यू और आ जाता, अगर एक क्यू और आ जाता फिर क्यू और क्यू को जोड़ते टू क्यू हो जाता, तो आपको आवेशों को जोड़ना है और एप्सिलॉन जीरो से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है गाउस का नियम। तो ये तो आपको इसलिए बताए गए हैं कि आगे जब आप लोग गाउस का नियम कहीं पर लगाओ, कोई न्यूमेरिकल को सोल्व करो, तो उसमें आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। बाकी गाउस का नियम अपने व्युत्पन्न कर रहे हैं, देखो अपना टॉपिक है गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, कि जो गाउस का नियम है इसे व्युत्पन्न किस प्रकार से किया जाता है।
तो अपना टॉपिक है गौस के नियम की व्युत्पत्ति। गौस के नियम की व्युत्पत्ति या गौस के नियम का व्युत्पन्न, गौस के नियम की व्युत्पत्ति। आपको क्या करना है, गौस का नियम जो है वो व्युत्पन्न करना है, ठीक है। तो देखो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अपने को क्या करना है, कोई एक पृष्ठ लेना है। ये आपके पास में क्या है, कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के केंद्र पर कोई केंद्र O है इसका, और इसके केंद्र पर क्या रखा हुआ है, एक आवेश Q रखा हुआ है, ठीक है। और आपको इस Q से स्मॉल r दूरी पर कोई एक पॉइंट P दिया है, और पॉइंट P पर आपको क्या करना है, फ्लक्स का मान देखना है, ठीक है। देखो जब इसकी थ्योरी लिखने की बात आती है तो आप लोगों को अलग से कुछ नहीं लिखना, बस आप लोग जैसे जैसे इसका डायग्राम बना रहे हो वो सारी बातें आपको लिखनी होती है। जैसे आप लोग क्या लिखोगे कि सबसे पहले एक पृष्ठ बनाते हैं और इस पृष्ठ के केंद्र O पर एक आवेश Q रखा हुआ है, और इस Q से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर विद्युत क्षेत्र, जिस पर अपने को फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ आप लोग क्या करोगे, एक अल्पांश की कल्पना करोगे, तो ये बात भी आप लोग लिखोगे कि एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। अब देखो अगर कोई क्षेत्रफल अल्पांश आप लोग लेते हो, तो क्षेत्रफल अल्पांश के लिए मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दिशा जो है हमेशा क्या होती है, पृष्ठ से बाहर की ओर होती है, ठीक है। जो डी ए वेक्टर है उसकी दिशा पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। और अगर आप लोगों को बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी मैंने आपको बताया कि जो धनावेश होता है यानी जो धनात्मक आवेश होता है उससे जब भी दिशा निकालनी हो तो बाहर की ओर क्या होती है, दिशा होती है। बाहर की ओर किस ओर होती है, जिस ओर आपका पॉइंट P होता है उस ओर होती है। तो O पर जहाँ आवेश Q रखा है उससे बाहर की ओर पॉइंट P है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो E वेक्टर है उसकी दिशा और जो DA वेक्टर है उसकी दिशा दोनों क्या है, एक समान है। तो अब आप लोग क्या लिखोगे, अब आप लोग लिखोगे फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल समाकलन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। फाई इक्वल समाकलन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, अगर आप लोग इसे थोड़ा सोल्व करो या S लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो, और ये आ गया इस प्रकार से E DA cos थीटा, क्या आ गया, ये आ गया E DA cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हटा देते हैं तो क्या लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं। और थीटा का अगर मान देखा जाए, थीटा किसके बीच का कोण है, इस ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण कितना है, थीटा है। और थीटा का मान यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना डिग्री है, थीटा का मान यहाँ पर जीरो डिग्री है, ठीक है। थीटा जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कोस जीरो, और कोस जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। कोस जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। और ये कोस जीरो का मान अगर एक आप इसके अंदर रख दो, ये बनेगा फाई इक्वल समाकलन ई डी ए और कोस जीरो, यानी फाई इक्वल, फाई ई लिखना चाहो तो लिख देना, एस और ई डी ए, ठीक है। फाई इक्वल क्या बना, समाकलन बंद पृष्ठ के लिए ई डी ए। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है फाई ई को बाहर रखो, और समाकलन किसका होगा, सिर्फ डी ए का होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो एक समान होगा, अपने अगले चैप्टर में बात करेंगे इसकी। तो फाई इक्वल ई बार की और समाकलन डी ए। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपने लिखा था, वो क्या लिखा था, ई इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट पी स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था बिंदुओं आवेश के कारण। तो फाई इक्वल क्या है, ई की जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, क्या लिखा आपने, ई की जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और फिर साथ में इसे क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो अपने पास में ये एक गोला है ये, और आप लोग डी ए का जो समाकलन करोगे, ये जो डी ए आपने लिया है, ये जो आपने पृष्ठ ले रखा है गोलाकार, जो आप लोगों ने पृष्ठ ले रखा है, इस गोले के ऊपर का एक अल्पांश है, और आपको इस अल्पांश का क्या करना है, समाकलन करना है। जो आपने सरफेस ले रखा है, पृष्ठ ले रखा है, उसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। अगर आप लोग गोले का समाकलन करोगे, संपूर्ण पृष्ठ का जो आप लोग उसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, तो आपके पास में मान क्या आता है, आपके पास में मान आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और इसका जब समाकलन करोगे तो इसका समाकलन ए आएगा, क्या आएगा इसका समाकलन ए, ए का मतलब होगा क्षेत्रफल किसका, इस संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है। ये गोला है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर
स्क्वेयर कितना होगा, गोले के क्षेत्रफल का मान 4πr² होगा। यहाँ से देखो आप लोग r² से r² को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास में मान देखो कितना आएगा, आपके पास में आएगा फाई इक्वल के क्यू। r² यहाँ से कैंसिल, r² यहाँ से कैंसिल, और अंदर सिर्फ क्या बचा, 4π बचा। कितना, 4π। अब k का मान आप सभी जानते हो 1/4πε₀ होता है। k का मान कितना होता है, 1/4πε₀। साथ में q लिखा है, साथ में 4π भी है, तो 4π से 4π को कैंसिल कर दो और आपके पास में क्या बनेगा, q/ε₀ बचेगा। और ये आपके पास में क्या है, गाउस का नियम है। ठीक है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, गाउस का नियम जो है इसे व्युत्पन्न करना। दो नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर ये आया तो सबसे पहले अपने क्या करना है, अपने को एक गोलाकार पृष्ठ लेना है और पृष्ठ के केंद्र पर एक आवेश क्यू रख देना है और इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी आपको लेना है। पॉइंट पी पर आप लोग क्या कर रहे हो, फ्लक्स का मान ज्ञात कर रहे हो। और आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर एक अल्पांश लोगे और इस अल्पांश का जो आपने क्षेत्रफल लिया है वो क्षेत्रफल कितना लिया है, डी ए वैक्टर क्षेत्रफल से हमेशा बाहर की ओर होता है, तो ई वेक्टर की दिशा धनावेश से हमेशा बाहर की ओर, धनावेश से हमेशा बाहर, किस ओर, जिस ओर आपका पॉइंट पी हो, यानी जहाँ पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी हो। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ कितना कोण बना रहे हैं, 0° का बना रहे हैं, तो कोस 0 का मान 1 हो जाता है। ठीक है, दूसरा आप लोग फ्लक्स की परिभाषा से क्या लिखोगे, फाई इक्वल समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखोगे। यहाँ पर ये ध्यान जरूर रख लेना, बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आपको फ्लक्स का सूत्र लिखना है, फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और इसका समाकलन बंद पृष्ठ के लिए। यहाँ पर ये मत लिख देना कि गाउस के नियम से फाई इक्वल समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि गाउस का नियम अपने व्युत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लक्स की परिभाषा से आपने क्या लिखा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखा, फिर आपने ये देखो क्या किया, यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट को हटा दिया और कोस थीटा लिख दिया। इसका मान मैंने आपको बताया, कोस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर कोस 0 और कोस 0 का मान इस जगह आपने 1 कर दिया। ई को समाकलन से बाहर लिखा, ई का मान के क्यू अपॉन r² होता है, इसका समाकलन 4πr² r² से r² कैंसिल, फाई इक्वल के क्यू 4π और के इक्वल 1/4πε₀ और फाई इक्वल क्यू अपॉन ε₀। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपने क्या किया, गाउस के नियम को व्युत्पन्न किया है। ठीक, अब अपने आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, और अपना जो चैप्टर है उसका नाम था गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, और अब अपने बात कर लेते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग की। देखो गाउस के नियम के अनुप्रयोग से अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो बड़ा प्रश्न आएगा यहाँ से 3 या 4 नंबर का। अब देखो अपना टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और इसके अंदर सबसे पहला जो अनुप्रयोग आता है वो आता है अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपना पहला टॉपिक इसके अंदर आता है अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपना टॉपिक है अनंत लंबाई के लिए। और अनंत लंबाई के लिए अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दो काम करने होंगे, जितने भी टॉपिक कर रहे हैं दो काम आपको करने होंगे, एक तो होगा दिशा और दूसरा होगा परिमाण। तो ये जितने भी टॉपिक आप लोग पढ़ोगे दो पार्ट के अंदर ये डिवाइड रहेगा, एक तो दिशा ज्ञात करनी, दूसरा परिमाण ज्ञात करना। यानी आप लोगों को बोला जा सकता है अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए, या अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका परिमाण ज्ञात कीजिए। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे दिशा की, कि अपने दिशा जो है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखो तो अपना जो टॉपिक है वो है अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी। तो सबसे पहले अपने क्या ज्ञात कर रहे हैं, इसमें दिशा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, देखो दिशा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अपने क्या करेंगे, ये तार लेंगे
ये मान लिया तार जो है वो कितनी लंबाई का है, अनंत लंबाई का तार है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तो अल्पांश लेना है ए, एक लेना है बी, और ये मान लिया क्या है इसका केंद्र ओ है, ठीक है। तार के ऊपर दो अल्पांश लिए ए और बी, और ओ इस तार का क्या है केंद्र है, और इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया है। इस पॉइंट पी पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो आपके पास में क्या है, एक अनंत लंबाई का तार है और इस तार का केंद्र ओ है, ए और बी दो अल्पांश है, और इसके इसका जो x है यानी इसका तार की जो लंबाई है इसके लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P रखा हुआ है, और पॉइंट P पर आपसे पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, और इसके लिए सबसे पहले अपने जो ज्ञात कर रहे हैं वो ज्ञात कर रहे हैं दिशा। तो यहाँ से आप लोग क्या करते हो, मैंने आपको बताया था कि धनावेश के कारण जब भी आप दिशा निकालते हो तो धनावेश की वजह से जो दिशा आती है वो किस ओर आती है, बाहर की ओर आती है, और बाहर की ओर किस ओर आती है, जिस ओर आपका पॉइंट पी होता है। तो ये जो आपने अल्पांश ले रखा है इससे दिशा किस ओर आएगी, इस ओर आएगी बाहर की ओर। ये किसकी दिशा है, ये डी ई वैक्टर की दिशा है। इसे आप कोई कोण ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा या थीटा फाई जो भी लो, जैसे मैं इसे कितना लिख देता हूँ, अल्फा लिख देता हूँ, आप लोग थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आप लोग इसके घटक बनाओगे तो एक घटक तो किस में आएगा, कोस में आएगा, और एक घटक किस में आएगा, साइन में आएगा, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोस अल्फा, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अल्फा, क्यों, क्योंकि ये जो कोण है मैंने अल्फा लिखे हैं, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कर देना कि यहाँ आप लोग अल्फा लिख रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, थीटा कर रहे हो। या तो आप लोग क्या करो, यहीं पर भी क्या लिख दो, थीटा लिख दो, यहाँ भी थीटा लिख दो, यहाँ भी थीटा लिख दो, जिससे ये आपके क्या आ जाएंगे, थीटा आ जाएंगे। तो अब अपने फिर से वही बात आ जाती है कि अब परिणामी जो आ रहा है उसकी दिशा अक्ष के अनुदिश है, ये जो अक्ष है इसके अनुदिश है या इसके लंबवत है, इस बात का अपने को नहीं पता कि दिशा जो वो कोस वाले घटक की हो रही है या साइन वाले घटक की हो रही है, इसलिए ये दूसरा अल्पांश जो है वो लिया गया। इसे भी अपने क्या कर देते हैं, इससे मिला देते हैं, और इसके लिए जो दिशा आएगी वो इस प्रकार से आएगी, हमेशा इससे बाहर की ओर, किस ओर, जिस ओर अपना पॉइंट पी रखा है उसकी, और ये किसकी दिशा है, ये डी ई वैक्टर की दिशा है। इसे दो अल्पांशों में तोड़ दो, फिर से दो घटकों में तोड़ दो, ये अल्फा बनेगा और ये भी क्या बनेगा, अल्फा ही बनेगा, क्यों, क्योंकि अपने अल्पांश को लिए ही इस प्रकार से है कि ये कोण जो है वो क्या रहे, बिल्कुल एक समान रहे, जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही आपका दूसरी साइड का, जैसा अल्पांश ए है वैसा ही अल्पांश बी है, जितनी दूरी पर ए है ओ से उतनी दूरी पर बी है, जितनी लंबाई का ये अल्पांश है उतनी लंबाई का ये अल्पांश है, और यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी क्या आएगा, अल्फा आएगा। डी ई को घटकों में आपने तोड़ा तो एक घटक तो आया इसका साइन में और एक घटक आया इसका कोस में, ठीक है। तो ये जो घटक है किस में आ गए, कोस में, और ये जो घटक है किस में आ गया, साइन में आ गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो साइन के घटक है, जो साइन अल्फा वाले घटक है उनकी दिशा क्या है, इस साइन अल्फा वाले घटक की दिशा दूसरे साइन अल्फा वाले घटक की दिशा के विपरीत है, और ये जो घटक है इनकी दिशा क्या है, एक समान है। जो कोस अल्फा वाले घटक है उनकी दिशा तो समान है, और जो साइन अल्फा वाले घटक है उनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो साइन वाले घटक है वो तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। जो डी ई साइन अल्फा है वो इस डी ई साइन अल्फा को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, और जो कोस अल्फा वाले घटक है यानी जो आप लोगों ने लिख रखा है डी ई कोस अल्फा और डी ई कोस अल्फा, इनकी दिशा क्या है, एक समान है। तो इनकी दिशा एक समान होने के कारण ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब ये है कि कोस अल्फा वाले घटक आपस में जुड़ रहे हैं और साइन वाले घटक जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो जो परिणामी दिशा आपको प्राप्त होगी वो आपको कोस अल्फा जो है उसके अनुदिश आ जाएगी। यानी आपने जो ये तार लिया है इस तार की लंबाई के लंबवत, जैसे ये तार की लंबाई है तो इस लंबाई के लंबवत किसकी दिशा होगी, इस लंबाई के लंबवत जो है आपका जो ई वेक्टर आएगा उस ई वेक्टर की दिशा होगी, ठीक है। यानी आप लोग क्या बोलोगे कि तार की लंबाई के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की परिणामी जो है दिशा आपको प्राप्त होगी। तो अगर ये टॉपिक आपके आता है तो एक तो आप लोग दिशा ज्ञात करोगे और दूसरा आपने क्या करेंगे, परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण ज्ञात करने से पहले आपको किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, दिशा का करना पड़ेगा, और दिशा आपको ये डायग्राम बना करके इतना लिखना होगा, और उसके बाद में लास्ट में आप लोग क्या लिख दोगे कि जो साइन अल्फा वाले घटक है उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो निरस्त हो जाएंगे, और कोस वाले घटक